हमारी चिंता कनाडा के साथ ये है कि उनके अपने राजनीति में उन्होंने ऐसे ऐसे विचारधाराओं और ताकतों को जगह दी है जो हमारे खिलाफ तो हैं, पर हम उनको कहते हैं कि भाई आपके लिए भी ये काम नहीं आएंगे कि आप अगर ऐसे लोगों को बसने दोगे और इनको आप अपने राजनीति में शामिल करोगे तो ये आपका भी बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि जो जो जिनको माने मैं कहूंगा जो एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग हैं, जो जो कभी कभी आतंकवाद की भी प्रशंसा करते, वो आप ही बताइए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी भी डेमोक्रेट, मैं खाली कनाडा की बात नहीं कर रहा, कि एक बार आपने ऐसे लोगों को माने जगह दे दी और वो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना स्पेस बना लिया, उसका तो दुरुपयोग जरूर करेंगे वो लोग। और जैसे मैंने कहा, जब एक बार स्पेस दे दिया फिर वो बोलने लग गए, फिर बातें आगे बढ़ गई, फिर उस रिश्तों पे तो उसका प्रभाव पड़ ही होता है। सर, हमारे देश के बच्चे बहुत सारे देशों में पढ़ने जाते हैं और फिर वहां पे नौकरी करते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो एक बड़ा डायस्पोरा जो है वो पूरे विश्व भर में कई देशों में आज फल फूल रहा है। और पहले हम जिसकी बात करते थे कि बेन डेन होता है हमारे देश से, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो लोग हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एक सॉफ्ट पावर है, लोगों का उनको देख के भारत के प्रति एक नजरिया बनता है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, एडेप्टिव हैं, सब लोग के साथ मिल जाते हैं और जहां जाते हैं उस देश की प्रोग्रेस में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कई सारी चीजें हमने देखी है कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे देशों में हमने उनके प्रति देखा है, हेट क्राइम्स में अमेरिका में हमने ऑलमोस्ट देखा है कि मंथ में एक कैजुअलिटी होती है, कनाडा में भी होता है, यूरोप में भी ऐसा हो रहा है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो जो आप कह रहे हैं कि हमारे नागरिक भी जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वहां की नागरिकता लेते हैं, तो भारतीय मूल के लोग जो समुदाय जो है वो दुनिया में बढ़ रही है, अभी मैं कहूंगा करीब 3.5 करोड़ की होगी, करीब करीब, जिसमें आधे मोटा मोटा आधे लोग जो हैं हमारे नागरिक हैं, आधे वहां के नागरिक जहां भी वो रहते हैं। अब उनकी सुरक्षा, उनका देखभाल जो है इसके ये इतना आसान विषय नहीं है, क्योंकि जहां वो हमारे नागरिक हैं हमारा हक ज्यादा बनता है, जहां वो हमारे नागरिक नहीं हैं तो हमें बहुत सावधानी से इस विषय को डील करना चाहिए। तो जहां ऐसे घटनाएं होती हैं, जहां कभी कुछ तनाव होता है, तो हमारे यहाँ अब एक सिस्टम बन चुका है और ये सिस्टम बनने का कारण भी है कि जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने जो जो इसको हम कहते हैं डायस्पोरा, उन्होंने जो हमारी समुदाय के साथ बहुत एक बहुत स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग बनाई, तो क्या होता है कि उसके कारण अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, जैसे एक हमने फंड बनाई है कि कहीं भी किसी को कुछ हो जाए और मान लीजिए उनके पास पैसे ना हो, कि कोई केस लग जाए या कोई फाइन देना पड़े या कोई टिकट लेना हो भारत आने के लिए, तो ऐसे एक तो व्यवस्था है कि हेल्प कैसे करें। दूसरी बात है कि अगर आप देखें जो राजदूतावास, जो कॉन्सुलेट, एम्बेसी कॉन्सुलेट जो है, उनको भी समझाया गया है और उनका उनका माइंडसेट भी बदला है कि जैसे अब स्टूडेंट्स जाते हैं तो हर एम्बेसी जो है वो स्टूडेंट्स वो एसोसिएशन के साथ वो एक किस्म से रिश्ता बना के रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं लोगों को कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो ये एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि एक दुनिया में ग्लोबल वर्कप्लेस बन रहा है कि हमारे लोग जो हैं, क्योंकि देश में इतना टैलेंट है कि ये स्वाभाविक है कि लोग ग्लोबलाइज्ड दुनिया में बाहर तो जरूर जाएंगे, और हमें रोकने के बजाय हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है यहां भी लोग जाएं और ये नहीं कि
ये पहले पीढ़ी के, ये चार पीढ़ी पहले भी अगर जाए, देश के भारत के बारे में उनकी एक भावना होती है। और जहां भी आप जाएं, कुछ भी आप उनसे कहें, वो देश के लिए भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हमने ये बहुत माने अभी नहीं, ये सालों से चल रहा है, पर ये भावना जो है मोदी जी के आने के बाद ये भावना और बढ़ी कि जो अटैचमेंट जो है जो भारत के बारे में, ये मैं कहूंगा कि उन्होंने एक इस पे वो बहुत एक बहुत बड़ा चेंज लाए। सर आपने मोदी जी की बात की तो मैं यहाँ कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी भी मंच पे अमेरिका को उसके घर में, यूनाइटेड नेशन को उनके कार्यक्रम में दो टूक खरी खरी सुना के आते हैं बहुत शांति से, तो ये जो बात है ये आज तक हमने किसी विदेश मंत्री में नहीं देखी, तो इसके पीछे के कारण क्या है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बाकी देश की जो है या जनता ने जो एम्पावर किया है लोगों को, जो जिन लोगों को इस देश पर शासन करने के लिए, उनके प्रति जो एक विश्वास है उसको रिपोज करते हैं आप लोग? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि देश का मूड भी बदला है। पर मैं ये भी कहूंगा कि हां, पहले विदेश मंत्री थे, पर मोदी जी का विदेश मंत्री बनना कुछ और। तो सर एक चीज, यहां पे काफी सारे बिजनेसेस के लोग बैठे हुए हैं, तो जो नए यानी कि जो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए क्या हमारे पास हमारे दूतावासों में आउटरीच के कुछ प्रोग्राम होते हैं, हाउएवर दे कैन कनेक्ट, वेयर दे कैन फाइंड सम न्यू होराइजंस इन बिजनेसेस? नहीं, हर दूतावास में एक ये मेरे ख्याल से दो साल पहले कोविड के दो या तीन साल पहले क्या हुआ था कि हमारी एक मीटिंग हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर एम्बेसी अपनी पहली प्रायोरिटी जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने में दे दे।